पुलिसिया व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने तथा आगामी त्योहारों में पुलिस की सक्रियता को जांचने के लिए सोमवार को एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने पुलिस ऑफिस के साथ कोतवाली व राजघाट थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने महिला हेल्प डेस्क, महिला संतरी की ड्यूटी, थानों में फाइलों के रखरखाव, आगंतुक रजिस्टर को चेक किया तथा त्योहारों के दौरान लगाए गए पुलिस की ड्यूटी का भी क्रमवार निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी ने सभी थाना क्षेत्रों में स्थापित गणेश प्रतिमा, पंडालों और ताजिया स्थापित करने वाले जगहों की भी जानकारी हासिल की तथा संबंधित पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया। ये दोनों हमें भी बनवा दीजिए, ये वाला। इस सबसे दफ्तर सजा दीजिए यारो साहब। इस तरह की चीज़ों से दफ्तर सजा देना चाहिए, जो गैलरी है उसको तरह तरह की जानकारियाँ लगी रहनी चाहिए। कितने लोग आए भैया? महिला रजिस्टर दिखाओ, ये तो आगंतुक रजिस्टर है ना, महिला वाला दिखाओ। आप वो निरीक्षण पुस्तिका रखवाइए अंदर। पानी आरो लगाया था वाला। एक काम और कर दीजिए, इसमें वो चेन बांध के स्टील ग्लास रख दो। अच्छा हो सकता है दो दो है चेन जैसा चेन बांध करके स्टील ग्लास लगा दीजिए। हल्की खुद ही धोले अपने नोट करो। हाँ सर, अब दे रहे चार्ज देंगे सर, ये हमारे स्टाफ है सबके लिए। और एक्स्ट्रा के अभी तक तो सर हम गिनी नहीं पा रहे, तब जब दीवान जी आ गए पूरा हम गिनवाए सर, तो पूरा है हमेशा ये वाला माल खाना और ये अलग सब अलग अलग करा रहे हैं सर। ये वाला अलग और ये वाला अलग, वो अलग रहेगा सर, ये अलग रहेगा सर। उठाने वाले तंग कर रहे हैं तो कह रहे नहीं ठीक है, क्रोध है आपका, दिक्कत है नहीं, उनकी शिकायत करनी हो।
आ गया दिखाइए भाई, रजिस्टर दिखाइए इधर का। कौन बैठा था? महिला ड्रेसिंग मेरा फिर बैठा है। अच्छा, उसका मैं था। ड्रम के बाद में ये सब कुछ होगा वहाँ पे जी। ये लगातार निर्देश है कि हम लोग थानों का औचक निरीक्षण करें, खासतौर से ये मुहर्रम का सीज़न है, गणेश पूजा का भी सीज़न है और आज कजली तीज का त्यौहार भी है, और साथ में ही कुछ बच्चा चोरी की अफवाहें भी चल रही हैं, उसको लेकर के भी हम लोग सतर्कता बरत रहे हैं। और सभी सीनियर अफसरों को हम लोग को निर्देश है लगातार ग्राउंड पर मौजूदगी रखें और लोगों को सेंसिटाइज़ करें, थन अपने स्टाफ को भी सेंसिटाइज़ करें। इसी क्रम में आज औचक निरीक्षण और त्यौहारों के लिए स्पेशल इनको अलर्ट करने के लिए व्यापक तौर पर दिशा निर्देश कई बार मीटिंग करके दिए गए हैं। आज इस अवसर पर थाने पर आकर के भी इनको व्यापक दिशा निर्देश दिए गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनका सबसे प्रमुख और पुराना थाना है, यहाँ सब कुछ सकुशल संपन्न होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से अनुरोध करूँगा कि बच्चा चोरी की जो अफवाहें चल रही हैं उस पर ध्यान न दें। इस तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ़ बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई की जाएगी और यदि कोई मारपीट करता मिला या कुछ ऐसा मिला तो उसके खिलाफ़ FIR दर्ज करके बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। और अगर इसके अलावा भी अगर किसी को कोई सूचना है तो तुरंत डायल 100 बुलाएं, पुलिस को बुलाएं, उस संदिग्ध व्यक्ति को रोक करके रखें और पुलिस के हवाले करें। अपने हाथ में कानून मत लें।